कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। ये है हमारा लाइव सीरीज और इस लाइव में आज हमारी बातचीत होगी ओल्ड एज प्रॉब्लम्स की। मिडिल एज के ऊपर जो भी प्रॉब्लम आपको लगता है ओल्ड एज में आती है या ओल्ड एज से रिलेटेड है, आप उसके लिए सवालात पूछ सकते हैं आज यहां पर भी, और जो हमने पूछा था हमारे कम्युनिटी सेक्शन में वहां पर पूछे हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश होगी। 16 सवाल आए थे वहां पे, उन सवालों के जवाब आज हम देंगे। और आप लोगों को लाइक ठोकते जाना है, शेयर ठोकते जाना है, और सारे जितने भी थोड़े अपने हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको कंपलसरी ठोकना है, है ना, लाइक ठोकना है, ठीक है। ओके, जटी कौर पूछ रहे हैं कौर जटी, सर फाइबर सप्लीमेंट बताए लेना ठीक है? रॉ वेज एंड सैलेड फ्रूट्स लेकर भी डेली नहीं पूरा हो रहा, 33-34% और कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम है। 33-34% कार्ब नहीं होता है, 30 ग्राम्स कार्ब्स होता है पूरे दिन में। एन एवरेज इंसान हम लेते हैं 15 ग्राम हम लेते हैं और हमें लेना है 30 ग्राम, यानी डबल कार्ब लेने हैं। तो उसके लिए अगर आप थोड़े बहुत सलाद दिन में 3 बार सलाद खा लेते हो या आप फ्रूट्स खा लेते हो चबा चबा के, तो उतना बहुत है। फाइबर सप्लीमेंट जिंदगी भर लेने का कोई मतलब नहीं है। ये सब गोल या ये चीजें कुछ दिन के लिए ले सकते हैं जब जब आप सलाद या कुछ सप्लीमेंट नहीं खा रहे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, कॉन्स्टिपेशन का कारण पानी भी हो सकता है और भी बीमारियां हैं, फाइबर इज जस्ट वन रीजन। कॉन्स्टिपेशन वाला मेरा वीडियो देखिए, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन बाय डॉक्टर एजुकेशन, उसमें आपको आगे और जानकारी मिलेगी। सुमित पांडे, सर मेरे दादाजी चल नहीं पाते घुटने में दर्द की वजह से, उनके फुट में कभी कभी सूजन आती है, हार्ट रेट सडनली हाई या लो हो जाता है, कुछ भी खाते हैं तो पेट फूल जाता है और नींद बहुत आती है। डॉक्टर ने कहा है कि लिवर प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और पानी भर गया है पेट में, अभी एडमिट है। देखिए सुमित जी, लिवर प्रॉब्लम क्या है ये पता करिए, डायग्नोसिस और केस समरी बनवाइए उनसे, किससे, जो एडमिटिंग डॉक्टर है, केस समरी। अगर लिवर में इन्फेक्शन हो जाए, लिवर खराब हो रहा है, एंड स्टेज है या बहुत खराब हो गया है या एक्यूट इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है, तो उस लिवर से पानी छूटता है, पानी रिसता है और पेट फूल जाता है, राइट। बुढ़ापे में दादाजी को घुटने की या डाइजेशन की या हार्ट रेट ऊपर नीचे होने की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हार्ट रेट ऊपर नीचे होना अलग बात है और हार्ट रेट रिदम में अरिदमिया होना, रिदम में प्रॉब्लम होना अलग बात है। तो वो आपके केस समरी में आएगा कि उनको एक्चुअल बीमारी है या बुढ़ापे के साइन सिम्टम है। बुढ़ापे में सबसे बड़ा टास्क यही होता है, या एल्डरली एज जैसे आप क्रॉस करें 40, 50, 60, 70, तो आपका पहला टास्क होता है जो सिम्टम हो रहे हैं ये बुढ़ापे वाले हैं या बीमारी वाले हैं। बुढ़ापे के लोगों को ज्यादातर ये लगता है ये सब बुढ़ापा है, लेकिन कई बार बीमारी भी निकलती है। तो आपके केस में पेशेंट एडमिट है, बीमारी ही ज्यादा चांसेस है, तो बीमारी पहले पता करिए क्या है, फिर इलाज कोई पॉसिबल है। ओल्ड एज में फिट रहने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दिव्या जी का बहुत जोरदार सवाल पे ही पूरा का पूरा वीडियो बन सकता है, उस चीज पे हम पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। इस समय मैं आपको बताऊंगा कि ओल्ड एज में डाइट और एक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं एक्टिविटी, इन दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। डाइट का मतलब क्या, आपको अपने प्रोटीन्स नहीं भूलने हैं, ओल्ड एज में प्रोटीन सबसे जरूरी है। यहां तक के मेरे क्रिएटिन वाले वीडियो में आपने देखा होगा, रिसर्च में यह बताया गया है कि अगर कोई ओल्ड एज में 60-70+ वाले भी 30 ग्राम प्रोटीन दिन में 2 बार खाते हैं, 3 ग्राम क्रिएटिन के साथ, तो उनकी मसल बिल्ड होती है, एक्टिविटी बनती रहती है, मेंटेन होती है। सो प्रोटीन सप्लीमेंट खाओ, या चिकन मटन अंडा पनीर दूध स्प्राउट्स ये सब खाए, सोया खाए, प्रोटीन खाएं तो जरूरी है। ओल्ड एज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टेस्ट बड्स खराब होने लगते हैं, तो इसलिए ओल्ड एज में सेल्फ हाइजीन और एक्टिविटी का बहुत इंडिपेंडेंस थोड़ी सी अपनी रखनी बहुत जरूरी है। एक्टिविटी रहेगी, घर के कामकाज करते रहेंगे उतना बेहतर है। हम क्या करते हैं, हम बूढ़े दादाजी को इनको बोलते नहीं नहीं हम कर लेंगे, और वो देखा जाए तो पूरे दिन में वो कुछ नहीं करते, सो दैट इज नॉट गुड फॉर देयर सेल्फ एस्टीम ऑल्सो। वो उनके लिए, उनके मन के लिए, उनके शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं है। आपको जरूरी है उनको सप्लीमेंट्स देना, अगर वो खाना नहीं खा पा रहे हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट दीजिए, फूड सप्लीमेंट दीजिए। अगर खाना खा पा रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि उनके खाने में प्रोटीन सही जा रहा है,
क्रिएटिन थोड़ा बहुत अगर नॉनवेज से खा के मिल रहा है तो वेल है, नहीं तो आप सप्लीमेंट कर सकते हो। क्रिएटिन देने से कोई लिवर फेल नहीं होता, 2-3 ग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 या 3 ग्राम ज़्यादा है उससे ज़्यादा नहीं देना होता, 10-10 ग्राम नहीं खाना जैसा बॉडी बिल्डर खाते हैं। और पानी पीना है, पानी लिक्विड इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्वियसली रेगुलर हेल्थ चेक बहुत ज़रूरी है। ये मोटी मोटी बात, बाकी इस पर फुल डिटेल वीडियो आएगा। ओके रामी गिल, ओके डॉक्टर आई एम सफरिंग कोल्ड कफ एंड डॉक्टर सेज यू हैव एलर्जी, आई टेक मेडिसिन फॉर मंथ बट देर इज नो इफेक्ट। सॉरी गुजराल जी, यहां सिर्फ ओल्ड एज सवाल की बात हो रही है। कोल्ड कफ अगर ओल्ड एज में हो जाए तो फिर उनके केस में मैं एक बता देता हूं कि 60 प्लस लोगों को निमोनिया का एक वैक्सीन आता है, वो जरूर लगना चाहिए, निमोवैक्स जरूर लगना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट हो तब तो पक्का लगना चाहिए, तो 60 प्लस में जरूर निमोवैक्स लगा लें। और हर साल ओल्ड एज वाले लोगों को फ्लू वैक्सीन जरूर लगाएं, इट्स इंपॉर्टेंट, राइट। उनमें से किसी को अगर स्वाइन फ्लू हो गया तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है, स्वाइन फ्लू के लिए वैक्सीन है, फ्लू वैक्सीन जरूर लगाएं, राइट। अभी जितने भी सवाल है वो सवालों को मैं ओल्ड एज में इंटरप्रिटेट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो ओल्ड एज के, सर मेरी टांग फते रही है, टांग टुंग फट रही है, टंग टुंग, व्हाट डू यू मीन, पंजाबी में टुंग कुछ और होता है, टुंग फट रही है, टांग फट रही है, ड्राई स्किन हो सकती है। ओल्ड एज में ड्राई स्किन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्किन ड्राई हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, आपको स्किन के ऊपर ऑयल मसाज या मॉइस्चराइजर रेगुलर लगाना पड़ेगा। साबुन बदल के लिक्विड सोप पे आइए, पानी मेक श्योर करिए नहाने का पानी सॉफ्ट हो, मेक श्योर करिए ओल्ड एज में अपनी चमड़ी का स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। आई कांट स्मेल प्रॉपरली, ओल्ड एज में स्मेल का प्रॉब्लम आ सकता है, एक तो एज के साथ आता है, दूसरा आपका आ सकता है विटामिन B12 और दिमाग की कोई प्रॉब्लम से, अगर दिमाग में या कोई डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है तो। स्मेल नहीं आ रही है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए एंड ENT को दिखाना चाहिए, ENT नीचे अंदर से देखा, न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग को चेक करेंगे, चेक करा लेना बेहतर होता है। सत श्री अकाल जी, किंगडम किंग ऑफ किंगडम्स, थैंक यू, नाउ नो क्वेश्चन, जस्ट एंडिंग गुड हेल्थ, थैंक यू जी, थैंक यू। मिट्राल वाल लीक होने पर जिस्म में ब्लड की कमी को कैसे पूरा किया जा सके? मिट्राल वाल लीक होने पर जिस्म में ब्लड की कोई कमी नहीं होती, आपको नॉलेज गलत है इस बारे में जिसने भी आपको दी है। माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स, माइट्रल वैल्व रिगर्जिटेशन पे मेरा वीडियो है, आप जाके मेरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स में असल में होता क्या है। मेजर साहब पूछ रहे हैं, सर कैंसर के चांसेस किस एज में ज्यादा होते हैं, और मेरी हाइट है 5'2" और वजन है 45 किलो, ही रहता है बढ़ता ही नहीं है, बस इतना ही जगह पर आके खड़ा रहता है, बढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले वीक बहुत महसूस। देखिए अगर आप 45 के वेट है तो वजन भी, वीकनेस तो आएगी। आपको देखिए मेन चीज याद रखनी है, कई लोगों का मेटाबॉलिज्म जेनेटिकली बहुत फास्ट होता है तो उनके अंदर बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कैलोरीज लगती है, तो यू नीड टू ईट अकॉर्डिंगली। आप अपनी कैलोरीज हर महीने 2 महीने में 100 कैलोरीज बढ़ाते जाओ, देर विल बी अ टाइम आप वजन बढ़ता हुआ दिखेंगे, हर 2 महीने में 100 कैलोरी बढ़ाते जाओ, फिर देखो कमाल, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन देखो, कैलोरी समझो, उसको बढ़ाते जाओ। सर WBC TLC टेस्ट एक ही है? जी हाँ, WBC वाइट ब्लड सेल TLC एक ही टेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। उस पर पूरा डिटेल वीडियो आएगा, WBC बढ़ गया तो क्या होता है, ये बढ़ गया तो क्या होता है, सब पे आएगा, डोंट वरी। लाइपोमा निकालने से दोबारा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उस पर एक वीडियो मैंने बना रखा है, इसी चैनल पर जाके देखिए। सर बॉडी से पतला हूँ, पेट की चर्बी कैसे कम करूँ? गोपी सिंह जी, बुढ़ापे में अगर आप पेट की, मैं बुढ़ापे की बात करूंगा, अगर बुढ़ापे में आप पेट की चर्बी बढ़ गई है, बुढ़ापे में आप मोटे हैं, तो बुढ़ापे में आपके लिए अति आवश्यक है आपकी रोटी बंद करना, ऑलमोस्ट बंद करना, रोटी दाल ये सब चीज़ें कम से कम खानी है, सलाद प्रोटीन्स और इन पर ध्यान देना, दूध पर ध्यान देना, ये ज़रूरी है। इस केस में क्या होता है, आज के डेट में लोग यूरिक एसिड से डर के सब कुछ बंद कर देते हैं। देखिए यूरिक एसिड अगर बढ़ गया तो उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको दवा देके मैनेज कर सकते हैं, यूरिक एसिड का हाथ पकड़ेगा शरीर से बाहर निकाल देगा, लेकिन शरीर में अगर मांसपेशी कम हो गई, चलना फिरना कम हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई तो क्या करोगे, सो यू नीड प्रोटीन्स।
सर मेरी पापा की एज 72 इयर्स है, 8 मंथ्स पहले उनको ओरल कैंसर डिफेक्ट हुआ, ठीक है सर, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, उनको फर्स्ट कीमो के लिए डॉक्टर ने रेफर किया, कीमो का फर्स्ट राउंड होते ही एक महीने में उनको राइट साइड में पैरालिस हो गया, अटैक हो गया, उनकी स्पीच खत्म होगी, अब वो बोल भी नहीं सकते, स्ट्रोक की दवा चल रही है, मेरा सवाल है कि उनकी स्पीच वापस आ सकती है क्या, और कैंसर सेल की ग्रोथ को क्या कम किया जा सकता है, क्या आप मुझे कोई मेडिसिन सजेस्ट करेंगे या आप मुझे पैरालिसिस के लिए भी कोई मेडिसिन बता सकते हैं। अमित जी ऐसा है, पैरालिसिस दिमाग में स्ट्रोक की वजह से होती है, स्ट्रोक का मेरा एक पूरा वीडियो था इसी सीरीज में, स्ट्रोक के ऊपर वीडियो है, 30 मिनट का सेमिनार है, वो जाके देखिए। स्ट्रोक में ये नहीं कह सकते कि पूरा रिकवरी होगी कि नहीं होगी, ये न्यूरोलॉजिस्ट बताएंगे, दिमाग का डैमेज बताएगा, MRI रिपीटेडली करेंगे तब पता चलेगा कि बॉडी रिकवर कर रही है या नहीं। कैंसर भी ऐसी चीज़ है, कैंसर का स्टेज, कैंसर के स्पेशलिस्ट, ऑन्कोलॉजी, क्षमा करिए इसमें मैं आपकी दवा के हिसाब से कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इतना है कि इन पर मैं वीडियोज जरूर बना दूंगा, ठीक है सर। कोई अच्छी नाइट क्रीम बताएं फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, एक्ने स्कार भी हैं, ठीक, एक्ने स्कार है तो सबसे बेस्ट नाइट क्रीम है ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बहुत थोड़ा सा, हफ्ते में 2 बार लगाइए, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ट नाइट क्रीम है। सेकेंडली आप कोई भी ऐसी मॉइस्चराइजर लीजिए जिसमें वाइटामिन ई हो, विटामिन ई, मिनिमम विटामिन ई तो हो, बाकी और भी विटामिन हो तो चल जाएगा, ई चाहिए, या ई का सप्लीमेंट लेना शुरू करो। सर माय हस्बैंड एज इज 62, हिज रेस्टिंग पल्स रेट इज अप टू 50-55 पर मिनट, दैट कैन बी नॉर्मल, दैट कैन मे नॉट बी नॉर्मल। आप अगर वो हार्ट रेट आपको नॉर्मल नहीं लगती है, अब नॉर्मल लगती है, लगता है कि कोई उनको सिम्टम है, तो उनके कुछ टेस्ट कराइए, ECG, थायराइड फंक्शन, इकोकार्डियोग्राफी, अगर वो चलते फिरते बढ़िया दौड़ते बढ़ते तो TMT कराइए, और अगर आपको चक्कर आते हैं, पेशेंट को चक्कर आते हैं कहीं भी, तो होल्टर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हुए सवाल सारे जो हमने पूछा, जो आप लोगों ने कम्युनिटी सेक्शन में पूछे थे। पहले आपको कम्युनिटी सेक्शन के सवालों के जवाब मिलते हैं जो आप मेन चैनल डॉक्टर एजुकेशन सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशन पे पूछते हैं, उसके बाद ही फिर हम आपको इस चैनल पे जहां आप अभी आए हुए उस चैनल के सवालों के जवाब देते हैं। सो अभी हम आपके इस चैनल पे आए हुए सवाल उठाएंगे और देखते हैं कि इस चैनल पे और क्या सवाल आए हैं। आई होप मैं गलत चैनल पे लाइव आ गया, लग रहा, कोई बात नहीं, एनीवेज कभी कभी लाइव हो जाता है। अच्छो ये हो गया क्या, इस चैनल पे लाइव आ गए, कोई बात नहीं, चलो कोई गल नहीं, हो जाता है। कुलवंत सिंह जी सत श्री अकाल, शशांक को MBBS करना है, कर लो ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रॉइड्स बिफोर मैरिज, बिफोर मैरिज फाइब्रॉइड्स मैनेज विथ मेडिसिंस, ओनली दैट यू कैन डू, सर्जरी इज वन ऑप्शन, अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है तो, अगर मेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, मेंसेस नॉर्मल नहीं है, देन दैट इज वन ऑप्शन, बट नॉट द लास्ट ऑप्शन, नॉट द बेस्ट ऑप्शन, हॉर्मोनल मेडिसिन आर देयर। शशांक शर्मा, अमोल जंग, सर जी मैंने फिजिशियन सारे बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड मेडिसिन लिखते हैं पर ब्रेन से रिलेटेड क्यों नहीं लिखते? अमोल जी कैसे सवाल है, ऑब्वियसली ब्रेन के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, इसलिए ब्रेन के लिए हम भी दवा नहीं लिखते। हमारे पास आओगे तो हम आपको बताएंगे कि ब्रेन के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, पर ब्रेन के लिए कोई स्पेशल खतरनाक मेडिसिन लिखेंगे वो हम नहीं करेंगे, है ना। आप अपनी लिमिट में रहें ज़्यादा बेहतर है कि नहीं। एक इंस्पेक्टर अलग होता है और दूसरी जगह पे IPS ऑफिसर अलग होता है। IPS ऑफिसर काम इंस्पेक्टर, पुलिस वाले आर्मी का काम, आर्मी वाले पुलिस का काम, हर एक का काम अलग है, तभी जंग जीती जाती है जब सब अपने अपने काम करें। व्हाट इज HPV? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज अ वायरस, उसके आपसे आपके कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, सर्वाइकल कैंसर, स्किन कैंसर, पेट में कैंसर, तो कई कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए HPV वायरसेस एसोसिएटेड होते हैं। HPV वायरस के लिए आप टेस्ट करवा सकते हो, सर्वाइकल बायोप्सी, पैप्समियर। नी इन्फ्यूजन प्रॉब्लम है, इफ्यूजन प्रॉब्लम है, स्ट्रेंथिंग भी कर रहा हूं बट रिलीफ नहीं आ रहा। घुटने में प्रॉब्लम ओल्ड एज में 99% लोगों को होता है, 1% होते हैं लकी पीपल जिनको नहीं होता। 99% लोगों को घुटने में प्रॉब्लम होगा, किसको नहीं होगा? जिसका वजन ठीक होगा, जो एक्टिविटी मेंटेन रखेगा, दौड़ता भागता रहेगा और सही मात्रा में बैलेंस न्यूट्रिशन लेगा उसको, राइट, बाकी सबको होगा। इफ्यूजन का मतलब है घुटने में होगी सूजन, घुटने में सूजन हो जाए, ज्यादातर केस एक्टिव आर्थराइटिस होता है, इन्फ्लामेशन होता है, रिएक्शन होता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है। सो आपको एक्चुअल
एक्सरे, एक्चुअल एमआरआई, एक्चुअल ब्लड टेस्ट, सीआरपी, ईएसआर, एएसओ टाइटर, आरए फैक्टर करके डायग्नोस करना होगा कि वहां किस प्रकार का आर्थराइटिस है, और फिर उसके हिसाब से दवा शुरू होगी, फिर उसके हिसाब से ऑर्थोपेडिशन ट्रीटमेंट लेंगे। आप वीडियो देखिए जाके ऑस्टियो हमारा आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस वाला, आपको फिर नॉलेज मिलेगा। आप लोग इतने सारे लोग हैं, मैं बता दूं, आज तो हम गलती से इस चैनल पे लाइव आ गए, लेकिन कायदे से हमें लाइव आना चाहिए था एफएक्यू चैनल पे, वहां पर रोज इसी तरह से लाइव हो रहा है रात को 10 बजे 10 बजे 10:30 के आसपास। उसके बारे में टाइमिंग्स मैं स्टोरीज में बताता रहता हूं, तो अगर इस चैनल पे आप स्टोरी फॉलो करते हैं हमारी, तो आपको टाइम और बाकी बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलती रहेंगी हमारे लाइफ के बारे में, राइट, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, ओके। तो इफ्यूजन के लिए आपको उस तरह से काम करना है, राइट। व्हाट इज गोंड कितरा, आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज, सॉरी। हाउ ऑफन टू यूज टोनर फॉर स्किन, कैन आई यूज ट्वाइस डेली, हाउ ऑफन टू यूज फेस मास्क। टोनर अगर आपकी ड्राई स्किन है कतई यूज मत करना भैया, अगर आपकी एक्नी प्रोन ऑयली स्किन है तब आपका टोनर काम करेगा, वो भी जब भी फेस वॉश करोगे फेस पे कॉटन लगा के दिन में दो बार, दैट इज फॉर डीप क्लीनिंग, ऑयल्स क्लीन करने के लिए, नथिंग एल्स। अगर आपकी स्किन ड्राई है टोनर लगाओगे और ड्राई हो जाएगी, प्रॉब्लम, राइट। सो दैट्स द थिंग। अभी ठंड के मौसम में फिर भी मैंने थोड़े बहुत टोनर, नहीं सॉरी ठंड कह रहा, एक जमाने में मैंने भी टोनर यूज किए थे, अब मैं टोनर यूज बस कर चुका हूँ। अब मैं वो देख रहा हूँ कि स्किन की नीड के हिसाब से देखना है, अगर आपको लग रहा है स्किन पे ऑयल्स आ रहे हैं ज्यादा है तो टोनर यूज करें एक कद्दी बार, नहीं तो नहीं, डिपेंडिंग अपॉन, यू हैव टू लिसन टू योर स्किन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई यू आर यूजिंग देम, है कि नहीं, है कि नहीं। अब नमक खाने में नमक कम होगा तभी तो नमक डालोगे। नींबू में किसी ने नमक डाला कभी? खट्टी चीज में खट्टा नहीं डालते, नमक नहीं डालते, दैट्स द थिंग। सो अगर आपके स्किन में ऑलरेडी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्यों टोनर करोगे? होममेड अल्कोहल, हे भगवान, रोज एक बार सवाल पूछते हैं। नहीं बोलूंगा आप। जब बहुत साइलेंट माहौल होता है तब गले में कुछ आवाज सुनाई देती है, दैट इज टक टक, जैसे वॉच में जैसे आती है, नॉर्मल है जी। ऐसा क्यों? ऐसा बिकॉज योर सेंसेशंस आर वेरी स्ट्रांग एट दैट टाइम, बगल वाले की घड़ी की आवाज आती है। एब्सोल्युटली ट्रू, ढूंढोगे तो मिल जाएगी घड़ी। और कई बार हमें ऐसी प्रिजम्पशन भी होता है, जैसे आपका फोन नहीं बज रहा लेकिन आपको लगा भाई मेरा फोन बजा, बहुत बार होता है, दैट इज ओके, दैट इज नॉर्मल, योर ब्रेन गेट कंफ्यूज्ड समटाइम्स। सर मेरी मम्मी के पैर में नस चढ़ जाती है, क्या आप कंसल्ट करेंगे? एब्सोल्युटली कंसल्ट करेंगे। नस चढ़ जाने का नंबर वन रीजन है डिहाइड्रेशन, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, बुढ़ापे में बी12 डेफिशिएंसी, मस्कुलर स्पाज़म बहुत हो जाते हैं, पीठ में दर्द होना, पीठ की प्रॉब्लम होना, लोअर बैक इश्यूज में भी होता है। सो यू नो हाउ टू गो थ्रू दिस, राइट, इसको ठीक करना पड़ेगा। साइनस बहुत सता रहा है, साइनस के लिए आप एक्सरे कराइए, पीएनएस, पैरा नेरल साइनसिस, वाटर्स व्यू नाम बोलते हैं उसका एक्सरे का, एक्सरे पता चलेगा साइनस में कुछ इन्फेक्शन भरा है नहीं भरा है, ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, उसके हिसाब से वो एंटीबायोटिक्स देंगे। साइनस माइट नीड एंटीबायोटिक्स, माइट नीड जस्ट एंटीहिस्टामिन्स। सो एंटीहिस्टामिन्स यानी कि आप अगर कोई ओट्रिविन जैसा कोई नेजल स्प्रे, नेजल ड्रॉप ले रहे, एक हफ्ते से ज़्यादा मत लेना। एंड अगर आपका डेविएटेड नेजल सेप्टम है तो यू नीड टू डू दैट, सर्जरी करनी पड़ सकती है, राइट। एचपीवी पे अलग से डिटेल वीडियो आएगा जी। हाउ कैन वी इम्प्रूव आर वॉइस? वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वॉइस पर थेरेपी, स्पीच थेरेपी आती है, आप वो यूज करिए। थैंक यू विकास जी, यू लव यू टू। नमस्कार सर, क्या सर मुझे ना AST 52 निकला और ALT 48 निकला लिफ्ट में, LFT लिफ्ट में नहीं LFT में, तो क्या सर मुझे लिवर डैमेज हो गया है? नहीं जनाब, ऐसे अगर बताने लग गए तो भाई सबका लिवर डैमेज है। जो इंसान के लिवर में थोड़ा बहुत AST LFT बढ़ा हुआ आता है, दैट माइट बी अ केस कि लिवर थोड़ा स्ट्रेस में है। मे बी आपके बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स जा रहे हैं, मे बी आप अल्कोहल ले रहे हो, मे बी आप स्मोकिंग कर रहे हो, मे बी आप बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हो, मे बी आपको जो खा रहे हो एडजस्ट नहीं हो रहा। सो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन, जो हम नहीं कह सकते लिवर डैमेज है, लिवर स्ट्रेस में है बस, राइट। ठीक है कि नहीं? ठीक है। एक दिन अगर आप काम पे नहीं गए, एक दिन अगर आप स्कूल में नहीं गए तो कितने कारण हो सकते हैं? बहुत कुछ हो सकते हैं। सो दिस इज द थिंग, राइट। एक दिन अगर एंजाइम बढ़ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि लिवर डैमेज हो गया। डेली गैस रहती है, फ्लोटिंग भी डेली, ओल्ड एज में ऐसा होना बहुत कॉमन है। ओल्ड एज में डेली गैस रहना क्योंकि इंटेस्टाइन्स की मोबिलिटी स्लो हो जाती है, तो इसीलिए ओल्ड एज में सबसे बड़ा दूसरा इशू होता है मुंह। मुंह में दांत प्रॉब्लम करते हैं, दांत चबाने में प्रॉब्लम होती है, और इसलिए ओल्ड एज में क्या होता है, जो मेजर चंक दांतों का काम है चबाना, वो सही से नहीं हो पाता। इस वजह से मोटा मोटा खाना अंदर जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मोटा मोटा खाना निकलता है, नीचे कॉन्स्टिपेशन भी करता है, पेट में गैस भी करता है, ब्लोटिंग भी करता है। क्या करना चाहिए? नंबर वन,
अगर आपके नकली दांत है, अगर आपके डेंचर्स है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो दांत चेक कराइए। दांत की च्यूइंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप च्यूइंग सही से नहीं कर पा रहे हैं ओल्ड एज में, आप या आपके माता पिता कोई, दादा दादी कोई नहीं कर पा रहे हैं, तो मेक श्योर करिए कि उनको सॉफ्ट फूड दें। सॉफ्ट फूड दे सकते हैं या आप जो खाना खा रहे हैं उसको आप ग्राइंड करके दो, जैसे भी करके दो, डजंट मैटर, इट नीड्स टू बी सॉफ्ट, नीड्स टू बी ग्राइंडेड, दैट्स इट, दैट इज द आइडिया ऑफ गैस। गैस के अलावा उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट दें, दिन में दो बार एक बार खाने की जगह थोड़ा थोड़ा 6 घंटे में खाना खिलाइए, यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज इन देम बाय डूइंग दिस। और पानी, पानी का ध्यान रखें कि बीच में उनको डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। नी पेन एंड बर्निंग 37, सभी जरूरी टेस्ट नॉर्मल है, नी पेन एंड बर्निंग सभी जरूरी टेस्ट। आपको कैसे पता कौन सा जरूरी टेस्ट है भाई साहब? सभी जरूरी टेस्ट डिसाइड करता है डॉक्टर, यानी कि ऑर्थोपेडिशियन या हम। भैया जब सब नॉर्मल है तो आगे टेस्ट की जरूरत है। अगर सब नॉर्मल है, पेन हो रहा है, मान लो आपकी गाड़ी नहीं चल रही और आपका मैकेनिक बोले सब नॉर्मल है, तो आप क्या छोड़ दोगे? चलो ठीक है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल क्या है, गाड़ी नहीं चल रही है और ढूंढो, सिंपल सी बात है, और ढूंढो, ठीक है, पेन हो रहा है तो और ढूंढना पड़ेगा भैया, सिंपल सी बात है। सर जी नॉक नी टेस्ट ये कहा है? ये ऑर्थोपेडिशियन को कर दे दो, नॉक नी के टेस्ट होता है, पैर को मोड़ मार के देखते हैं। एंटी गैड 65 टेस्ट, आई डोंट नो अबाउट दिस, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। How to get mentally strong and can't sleep? If you can't sleep, you will become mentally weak. Very simple. दो दिन चार दिन इंसान नहीं सोता, उसकी हालत देखने लायक होती है, क्या हो रहा है मेरे साथ। So your problem is you can't sleep. It's not because of mentally. तो आप जाके हमारा insomnia वाला video देखिए, insomnia, नींद कैसे आती है, सारा videos में समझाया हुआ है, उसको जाके देखिए, follow करिए, बढ़िया रहोगे, strong रहोगे। Fatty liver को कैसे ठीक करें, fatty liver को ठीक करने के लिए weight loss करना पड़ेगा आपको, fatty liver के बहुत सारे videos मैंने बना रखे हैं, इतने अच्छे से समझाया उसमें कि आपको समझ जाएगा, जाके देखो एक बारी। सर क्या 90 साल में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होना नॉर्मल है या ग्रैंड मा? बिल्कुल नॉर्मल है जनाब, नॉर्मल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर 90 में होना ही होना है, मतलब कहने का मतलब है कि 90 साल में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्हें पहाड़ तो चढ़ना है नहीं, उन्होंने सिर्फ वॉक करना है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कितना परसेंट है इस पर डिपेंड करेगा, माइल्ड टू मॉडरेट है, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ डाइट में, लाइफ में, पानी में थोड़ा ज्यादा बदलाव लाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर हार्ट रेट मॉनिटर करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट पे प्रेशर आएगा, तो इसीलिए बीपी, पल्स, पानी, यूरिन आउटपुट, ये चार चीजें मॉनिटर करिए। हार्ट फेलियर वाला मेरा वीडियो देख लो, हार्ट फेलियर बाय डॉक्टर एजुकेशन, एक्सप्लेन अबाउट, और ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कारण पे, राइट। हार्ट फैल के भी फेल होता है, हार्ट अटैक होके भी फेल होता है, और भी इन्फेक्शन होके भी फेल होता है, सो यू हैव टू सी क्या कारण है। प्रोटीन के लिए क्या लेना चाहिए आपको, वीडियो देखना चाहिए, डॉक्टर एजुकेशन साइंस ऑफ न्यूट्रिशन यूट्यूब पे टाइप करिए, पार्ट 1, 2 और 3 देखिए, फिर आप ये सवाल किसी से नहीं पूछेंगे, फिर आप ये बार 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 पर लोगों को बताएंगे, और सुन प्रोटीन के लिए ये लेना चाहिए। सत श्री अकाल सर जी, सत श्री अकाल वीर जी, इसमें लिखा डोंट सब्सक्राइब नाम है इनका, बट डोंट सब्सक्राइब, चलो छोड़ो। मेरे मम्मी के पैर में नस चढ़, ये तो हो गया यार, ओके, लव यू हर सिमरन जी। ओमेगा 3 फैटी एसिड लॉन्ग टाइम लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, 0/0। हीमोराइड का ऑपरेशन कराया है, पेन है, कितने दिन रिकवरी होगी? सर्जन बताएगा भाई साहब, अंदर का हाल उन्होंने देखा है, हम कैसे बताएंगे कितने दिन रिकवरी होगी। हर 2 दिन में नाइटफॉल होता है, नाइटफॉल पे वीडियो बना हुआ है, वाजा के देखो। सर मेरी मदर को क्रिएटिन 2.3 है, ब्लड यूरिया 102 है, ब्लड शुगर फास्टिंग हाई है 20-250। अब ऐसे लोगों को क्रिएटिन नहीं खाना चाहिए, जिनका ऑलरेडी क्रिएटिन हाई है, वो क्रिएटिनिन हाई है, क्रिएटिनिन आपका हाई है, आपको ये इन पेशेंट को, आपकी माता जी को डायबिटीज है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, शुगर के वजह से किडनी खराब हुई है 99%, आप मतलब 99% वही एक कारण है, और भी कारण हो सकते हैं, बीपी भी हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, पॉलीसिस्टिक हो सकती है, अल्ट्रासाउंड करके देखना होगा, किडनी के टेस्ट करने होंगे, शुगर आपको खून की जांच करनी होगी, खून कम होता है किडनी में, एरिथ्रोपोएटिन नहीं बनता है, इंजेक्शन रेगुलर लगेंगे, किडनी के डॉक्टर को जाके मिलो, तब जाके वो ठीक होगा, किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या खाना है क्या नहीं, ऑलरेडी इस पे फुल डिटेल वीडियो है आ रहे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बाय डॉक्टर एजुकेशन, जाके देखिए। हे भगवान, कल एग्जाम है नीट का, गुड लक दोस्तों, सो जाओ। एब्सोल्युटली बिल्कुल, आपको अपनी नींद पूरी करनी है, ठीक है। पहली चीज स्ट्रेस नहीं लेना भैया, देखो ऐसा है, इतना कुछ मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर मैं एक पेपर पे लिख के
अपनी पूरी नॉलेज लिखने की कोशिश करूंगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा। अगर मैं बोलूंगा ना तो नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन जब आप सवाल पूछते हो, जब हम खुले दिल से निडर होकर सोचते हैं, तो हमें रिकॉल होते जाता है, हमें रिकॉल होता जाता है कि हमने ये पढ़ा था, हमको ये पता था, हमको ये आता है, हमको ये आता है। आप जिस जिस चीजों के बारे में मुझसे पूछते हो, इन सारे इन सबके पेशेंट्स मेरे पास, सब नहीं आते, सारे नहीं आते, लेकिन रिकॉल हो जाता है, और आप लोगों के सवालों के वजह से और ज्यादा रिकॉल होते जाता है। सो इसीलिए ये याद रखो कि आपने जब MBBS की है, या सॉरी आपने जो पढ़ाई करी है नीट की, वो खत्म नहीं हो गई, वो आपकी बढ़िया, आपके नॉलेज है आपके अंदर, राइट। और एक दिन में रट्टा मार के नहीं कुछ होने वाला। अब आपको है दिमाग को शांत रखना, रिलैक्स रखना, कनेक्शंस खुले रखने। दैट्स एन एक्सरसाइज, राइट। लाइक इफ यू एक्सरसाइज, जैसे रिफ्लेक्स होता है, आपके माइंड का रिफ्लेक्स है, आपके दिमाग का, आपके आपके हाथों का रिफ्लेक्स है। अगर आप कैचिंग प्रैक्टिस करते हो, तो एक बार बॉल आती है तो बिना ज्यादा एफर्ट के खप से आपका हाथ चला जाए रिफ्लेक्सली। सेम वे अगर आप इस तरह का प्रैक्टिस करते हो ना, इंटरप्रिटेशन, जैसा हम कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली ए प्रैक्टिस। आपने बोला ये बीमारी हो रही है, हमको लगा ये 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 कारण है, राइट। अगर आप ऐसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस प्रैक्टिस करोगे ना कि ये सिम्टम्स है, ये ट्रीटमेंट है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ये ट्रीटमेंट है, एवरी टाइम थिंकिंग इन द माइंड, थोड़ा मेहनत है, बट आप भाई जोर बहुत जोरदार बन जाओगे, नोबडी विल टच यू। ओल्ड एज, एट द एज सर 37, इज इट पॉसिबल मसल बिल्डिंग? एट द एज ऑफ 60 इट्स पॉसिबल। तो 37 क्या चीज है भाई साहब? ऑल यू नीड इज नॉलेज एंड वर्क, हार्ड वर्क। नॉलेज चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, ओवरवर्क नहीं चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, ओवरवर्क नहीं चाहिए। रोहित बंसल जी प्लीज रिप्लाई मी, पूछ रहे हैं, मैं रिप्लाई कर चुका हूं। अगर आप ऊपर सवाल दे चुके हो, और अगर नीचे सवाल आया है, तो मैं पहले सवाल देखूंगा फिर रिप्लाई करूंगा। बहुत टाइम हो गया है, 30 मिनट, 3-4 मिनट में खत्म कर देंगे। किसी ने पेड सवाल नहीं पूछा आज, कोई बात नहीं। ओल्ड एज डेथ, सबकी डेथ आती है, सबको जाना है, चिंता चिता बराबर है, टेंशन मत लो, जिंदा रहो, खुश रहो, जब तक जी रहे हो जियो। ओल्ड एज डेथ, इसमें क्या बताऊंगा मैं? सर जी करेले का जूस क्या ब्लड ग्लूकोज को कुछ में डाउन कर देता है? जी हाँ, करेले का जूस, जामुन के बीज, जामवुरलिन, ऐसी दवाएं नेचुरली शुगर को डाउन करती हैं। बेसिकली आपकी इंसुलिन एक्टिविटी आपके बॉडी के अंदर शुगर यूसेज बढ़ाती है। सो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यूज कर सकते हो। बट अगर आप इसको अपने दवाओं के साथ यूज कर रहे हैं, यू हैव टू मॉनिटर योर शुगर, ऐसा ना हो किसी दिन लो हो जाए। ओ गए। चलो मैं अभी सबसे नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल आलतू फालतू आ रहे, मतलब दूसरे टॉपिक के। ओल्ड एज के सवाल पूछिए जनाब। चलो नीचे आ गया हूँ मैं, अदिति जबीन के पास। हाइट सोल्यूशन, हार्ट 4.10 है, हाइट सोल्यूशन, उम्र के ऊपर है हाइट सोल्यूशन। हार्ट, अगर आपकी अतिया जी, अगर आपकी उम्र 18, 19, 20 हो चुकी है, और अगर आप एक बार एक्सरे करा के देखिए, अगर आपके जॉइंट्स में एपिफाइसियल बोन्स प्लेट हो चुके हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी हाइट नहीं बढ़ा सकती। वो हाइट वाले वीडियो में समझाया मैंने, आप जाके देखो, रिंग वर्म पर वीडियो बनेगा। मदर हैड लेसिक लेजर किडनी स्टोन सर्जरी, इट्स बिन 6 months, वूंड कीप्स फॉर्मिंग पस, ओ माई गॉड, इवन आफ्टर रिपीटेड एंटीबायोटिक कोर्सेज। डायबिटीज, शुगर चेक कराइए, नंबर वन। सेकेंड, उनका अल्ट्रासाउंड करके देखो कहीं किडनी में पस तो नहीं हुई, दैट इज वन बिग थिंग। किडनी में पस होना एक खतरनाक चीज है। पस कल्चर कराइए, कल्चर करके पता चलेगा बैक्टीरिया कौन सा है, बैक्टीरिया के स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देंगे तो ही ठीक होगा। ऐसे केस में फिर आपको स्पेशलिस्ट का ओपिनियन चाहिए, एक सेकेंड ओपिनियन जरूर लीजिए। अपने पेशेंट का प्राइमरी डॉक्टर जो भी है उससे केस समरी बनवाइए, केस समरी में सब कुछ आ जाएगा, क्या क्या किया आज तक, क्या क्या बीमारी, आगे क्या प्लान है, उसको ले जाइए एक दो डॉक्टरों को दिखाइए, उससे आपको आइडिया मिलेगा आगे क्या करना होगा। ओके, ऑल राइट, मैं ढूंढ रहा हूँ ओल्ड एज क्वेश्चन अभी आंसर होंगे, बाकी सारे हो चुके हैं। ये सवाल का जवाब दे दे, तो सामर्थ ढिंगरा जी का सवाल अच्छा है, बायो मैग्निफिकेशन, हाउ कैन वी प्रिवेंट अक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी बाय बॉडी फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा बाय एक्यूमेट ओल्ड एज लीडिंग टू प्रॉब्लम्स इन ओल्ड एज। क्वाइट फ्रैंकली ये जो थॉट है कि बॉडी में फर्टिलाइजर्स होंगे, या देर इज ओनली टू फ्यू थिंग्स विच कैन एक्यूमुलेट इन द बॉडी, राइट। देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग। आप जब एक गोली खाते हो, आपको लगता है एक डिस्प्रिन खाते हो
वो एक्यूमुलेट होती है आपके सेल्स के अंदर आके जमा होती है, 25 साल रहती है, 50 साल रहती है, एक एक जमा होती है, नहीं, इट गोज इन, काम करती है, खत्म हो जाती है, निकल जाती है। पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। दो तीन प्रकार की केमिकल्स होते हैं बॉडी दुनिया में, आपको क्या लगता है जो पेस्टिसाइड्स आपने एक बार डाल दिया, सोचो एक बार पेस्टिसाइड आपके फार्म में आपके खेतों में चला गया तो क्या वहां जमा हो जाता है, फिर डालने की जरूरत नहीं पड़ती? जरूरत पड़ती है ना, पड़ती है, क्योंकि वो जमा नहीं होता वहां पे, उसका अपना काम है, उसकी अपनी लाइफ है कि इतने दिन तक वो बैक्टीरिया मारेगा, उसके बाद बैक्टीरिया नहीं मारेगा, उसके बाद वो धुल जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो भी हो जाएगा उसका, राइट। सेम चीज आपके शरीर में होती है। अगर आपके शरीर में कोई इस प्रकार का पेस्टिसाइड एक पॉइजन हुआ, वो जाता है तो वो अपना साइड इफेक्ट करेगा, वो कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक इस तरह के इफेक्ट करेगा, बॉडी में चेंजेस लाएगा, बॉडी में कभी कभी फ्रॉथिंग होती है, कभी जैसे अगर किसी ने पेस्टिसाइड पॉइजन कर लिया तो वो जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड है, उसकी पॉइजनिंग के साथ लोग आते हैं, पॉइजनिंग से जान भी जा सकती है, तो वो बॉडी में चेंज करता है, उसको शरीर से निकाल दो या थोड़े दिन अगर खा लिया ले लिया तो शरीर को सपोर्ट करो आगे चल के उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ओल्ड एज तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेस्टिसाइड रहेंगे। ओल्ड एज तक क्या रहता है? हैवी मेटल्स, लेड, मर्क्यूरी, पॉइजन, दीज आर हैवी मेटल जो ओल्ड एज तक आपके शरीर में जमा रह सकते हैं, लेड पॉइजनिंग हो सकती है। वो कहां से आते हैं? मिट्टी से। वो कहां से आते हैं? कई सारे नेचुरल प्रोडक्ट से। लोग कहते हैं नेचुरल प्रोडक्ट इज सेफ। नो, नेचुरल प्रोडक्ट इज सेफ, बट दे हैव द मेनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैव हैवी मेटल्स। चलो खतरनाक बात पे एंड करते हैं, इस बात पे, है ना, नाइटफॉल, हेयरफॉल वाले भाई अतिथि जी, हेयरफॉल पे मेरा फुल डिटेल वीडियो है, हेयरफॉल जाके देखो, उसको फॉलो करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है ये पूछो। अभी बैठ के आधा घंटा हेयरफॉल पे थोड़ी बताएंगे, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू इंक्रीज, हाउ यू आर डैमेजिंग योर हेयर, एवरीथिंग इज कवर्ड, हेयरफॉल बाय डॉक्टर एजुकेशन लिख के तो वीडियो तो देखिए मोहतरमा। रिप्लाई मी अर्जेंट, बस रोहित जी आपका यही सवाल, यही वीडियो, यही आ रहा है, रिप्लाई मी के अलावा आपका जो सवाल है वो हमको नहीं दिख रहा, हम ढूंढ भी जगह देखना, आपका सवाल नहीं दिख रहा, क्षमा चाहते हैं। ऐसे केस में देखिए कुछ अर्जेंसी हो तो आप लोगों से विनती है कि आप कोशिश करा करो कि सुपर चैट पे डाल दें, क्योंकि इतने सारे सवाल आते हैं, आपके सवालों को ढूंढना हमारे लिए मुमकिन नहीं है भाई साहब। और सुपर चैट में ये देखिए कितने सारे सवाल है, पूछ नहीं सकते। सुपर चैट में आप डालिए 40 रुपए 50 रुपए 50 60 रुपए, उससे क्या होगा, आपका सवाल आ जाएगा ऊपर, ठीक है, वो एक डोनेशन हो गया आपको हमारे लिए, है ना। कोई ऐसे हजारों रुपए डालने की जरूरत नहीं है, डालने का मन है तो डाल भी सकते हो, मना नहीं कर रहे, लेकिन पॉइंट है कि आपको अर्जेंसी है तो कुछ तो आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा ना। हमें आपका सवाल दिख गया यार, पहले आ जाओ, पहले डाल दो, पहले नहीं डाल सकते तो ऐसे करो, सालों सौ तरीके, सालों तरीके, सारे तरीके आपको दिए हुए, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं, बड़ी देर हो गई, ज्यादा टाइम हो गया। आज हमारा प्लान है, आज एक बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत बढ़िया वाला डालता हूं इंस्टाग्राम पे, अगर फॉलो करते हैं फॉलो करना, बहुत बढ़िया सरप्राइज, दिल खुश।